आजमगढ़ कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने आज अचानक जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। बार बार जिला अस्पताल में खामियों की शिकायत आ रही थी, इस बात पर कमिश्नर जिला अस्पताल पहुंचे, वहां पर लोगों से बात की, मरीजों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु सीएमएस व सीएमओ आजमगढ़ एके मिश्रा को निर्देशित किया और पूरे मामले पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की। इसके उपरांत तो उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिला अस्पताल में होने वाली समस्याओं को भी सुना। जिला अस्पताल में पानी की निकासी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर उन्होंने नगर पालिका परिषद आजमगढ़ और जल निगम समाधान हेतु निर्देशित किया। अस्पताल परिसर में काफी संख्या में निजी एम्बुलेंस के खड़े होने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि जिला अस्पताल के परिसर में खड़ी नियमों के विरुद्ध एम्बुलेंस पर कार्रवाई की जाए। 77 जिला अस्पताल के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वह समय से अस्पताल पहुंचे। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। समस्याएं बताई गई थी और कुछ दिनों पहले यहाँ पे एमएलसी साहब का एक निरीक्षण हुआ था, तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि जब कभी मैं यहाँ पे आऊँ उन समस्याओं को देखूँ, तो मैंने वो समस्याएं भी देखी और अन्य समस्याएं भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ। तो पहली एक समस्या जो यहाँ पर आ रही है, जो सीएमओ साहब ने मुझे पहले भी बताई थी, यहाँ पानी की बड़ी समस्या रहती है सीवरेज की निकासी की। तो उसको मैं स्पॉट देखने गया था, तो वहाँ जानकारी मिली काफ़ी कचरा वहाँ पे अभी जमा हो गया है और एक सेटलिंग टैंक पहले बना हुआ है, तो सेटलिंग टैंक का प्रयोग नहीं हो रहा है और दो मोटर्स भी ख़राब हैं। तो जल निगम वाले अधिकारियों से बात हुई है कि उसका एक जो अभी तात्कालिक सॉल्यूशन हो सकता है, जो नगर पालिका कुछ पैसा खर्च करके उसको कर देगी, तो उसकी दिशा में कुछ कदम उठाएंगे और करेंगे। उसका जो पूर्णकालिक सॉल्यूशन अभी 8 MLD का एक और STP बनना है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण हो रही है, तब उसका पूर्णकालिक सॉल्यूशन हो पाएगा। उसके अलावा मैंने यहाँ कुछ औचक निरीक्षण अटेंडेंस का भी किया, उसमें कुछ कर्मचारी यहाँ पे कम दिख रहे हैं, तो आगे सीएमओ साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि आगे से सब लोग समय पर आएंगे, यही मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है। इसके अलावा एक समस्या और संज्ञान में आई कि यहाँ पर प्राइवेट एम्बुलेंसेज बहुत अंदर खड़े रहती हैं, तो मैंने सीएमओ सीएमएस दोनों से कहा हुआ है कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस है परिसर के अंदर नहीं रहेंगे। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। नाम दुर्गा देवी, पति भोला चौहान, उम्र 32 वर्ष, रंग सांवला, कद 5 फीट, पता रघुनाथपुर पोस्ट जमालपुर ठंड जिला मिर्जापुर। दुर्गा देवी 22 मार्च 2021 की सुबह 5 बजे से घर से लापता है। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसे भी यह महिला दिखाई दे या इनका पता चले तो सूचित करें। संपर्क करें 8172974814 पर।